हेलो डियर व्यूअर्स, अभी का जो वीडियो है ये वीडियो मेरे प्यारे छोटे भाई और बहनों के लिए जो इस साल का कंपार्टमेंट एग्जाम देने वाले हैं, साथ साथ जो नीट और जेई मेंस के एग्जाम में अपियर होने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब तक तो आप लोगों को गुड न्यूज मिल ही गया होगा कि हमारे जो सुब्रमण्यम जी हैं उन्होंने तो पीएम मोदी को लेटर भी लिखा है। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरे पास ऑफिशियल लेटर है। साथ साथ मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत बड़ी गुड न्यूज आ रही है, आप लोगों का जो एग्जाम भी पोस्टपोन होगा, साथ साथ यहां पर कंपार्टमेंट एग्जाम भी कैंसिल होगा, बहुत चांसेस बढ़ चुके हैं। इसका मैं पूरा प्रूफ देना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। साथ साथ आप लोगों के लिए आशीष चंचलानी, वो बीवी की भाई, साथ साथ मेरे प्यारे दोस्तों आपके कैरी मिनाटी, जो हमारे यूट्यूब के किंग है, जो हमारे यूट्यूब के दिलों में राज करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इतने बड़े लोग आप लोगों के लिए सवाल खड़े शुरू कर दिए हैं, सवाल कर रहे हैं कि एग्जाम को कैंसिल किया जाए कोविड सिचुएशन में, साथ साथ नीट एग्जाम को जो है पोस्टपोन किया जाए। अगर आप इसका पूरा प्रूफ देखना चाहते हैं और इस गुड न्यूज को आप सुनना चाहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको मेरे साथ बने रहना होगा, तभी आपका टेंशन जो है दूर होगा। इसका पूरा एविडेंस दूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। साथ साथ एक गलती भी हो गई है हमारे साथ, इन्होंने जरूर बताया मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे सुब्रमण्यम जी ने कहा एक गलती हुई है स्टूडेंट से, उस चीज के बारे में भी आपका पूरा डिटेल्स और नोटिस के साथ मैं ये चीज दिखाना चाहता हूं। तो चलिए बढ़ते हैं अच्छी खबरों की तरफ मेरे प्यारे दोस्तों। देख लीजिए, आप लोग कह रहे हैं सबसे पहले कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स कि भैया हमारा तो फाइनल है कि हमारा एग्जाम होगा, न्यूज पे भी आ चुका है, तो भैया आप लोग आखिर क्यों लड़ रहे हैं, यूट्यूबर्स क्यों आवाज उठा रहे हैं, आप लोग क्यों लड़ रहे हो, आप क्यों लड़ रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए, हम भी जानते हैं कि एग्जाम को कंफर्म किया है सीबीएसई ने कि वो एग्जाम लेगी, ठीक है ना। कल पिछले दिन पीआईएल हम लोग का रद्द कर दिया गया, आप लोगों को पता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट ये नहीं बोल दिया कि एग्जाम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने चांस दे दिया कि आप लोग एक और पीआईएल करिए सीबीएसई के लिए। मैंने क्यों आप लोगों को रीजन बता दिया था कि 80% लोग चाहते हैं कि एग्जाम कैंसिल हो और 20% चाहते हैं कि एग्जाम जो है हो, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट खुद को हटाने के लिए वो ब्लेम कर दिया सीबीएसई के ऊपर, ताकि अब हम लोग सीबीएसई के ऊपर केस कर सके और जीत जाए। ये एक बहुत अच्छी खबर है, इस चीज को मिस मत करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगर और भी मेरे साथ बोर मत होइएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बने रहिए। एक और चीज और बता देता हूं, देखिए आप लोग कहते हैं आप लोग क्यों सवाल उठा रहे हैं, तो आप क्या आशीष चंचलानी, हमारे बीवी के भाई और कैरी मिनाटी को भी बोलेंगे कि क्यों आवाज उठा रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग प्रूफ देखिए, इस चीज को पढ़िए, जाइए अगर ट्विटर अकाउंट है तो खोलकर इस चीज को पढ़ के देखिए, वहां साफ साफ लिखा है नो एग्जाम इन कोविड, साथ साथ पोस्टपोन जी और नीट का एग्जाम पोस्टपोन करने के लिए साफ शब्दों में कहा गया है। आप मुझे बोल सकते हो पागल, आप लोग मुझे बोल सकते हो कि हाँ भाई आप क्या पागल हो गए हो, आप क्यों लड़ रहे हो, लेकिन इन लोगों को भी आप लोग कैसे बोलोगे, क्या ये भी वही है मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोग खुद ध्यान से दीजिए, कुछ बच्चे नेगेटिव कमेंट कर जाते हैं तो आप लोग खुद ध्यान से देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, प्लीज आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए सबसे जरूरी चीज मैं बता देता हूं, मैं हमेशा से एक रिपोर्टर था हूं और रहूंगा, चाहे अच्छी खबरें आए चाहे बुरी खबरें आए, सब कुछ मैं अब तक पहुंचाऊंगा विद प्रूफ और पूरा डिटेल्स के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, माफ करेगा मैंने आपको बोर कर दिया। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अच्छी खबरों की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। यहां पर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने आज साफ साफ यहां पर अर्जेंट लेटर लिखा है, ध्यान दीजिए पूरा ऑफिशियल लेटर मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को, पूरा लेटर लिख के उन्होंने कहा है कि पोस्टपोन हो जाना चाहिए एग्जाम और एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए दिवाली के बाद। अब यहां पर देख लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत बड़ी लेटर पहुंची है हमारे एचआरटी मिनिस्टर के पास। एचआरटी मिनिस्टर के पास जैसे पहुंची मेरे प्यारे दोस्तों, एक फेक न्यूज से बचाना चाहता हूं, हमारे अर्णव गोस्वामी जी के एक फेक अकाउंट से ये चीज निकला कि विक्ट्री ऑफ स्टूडेंट। साथ साथ मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आयशा का प्रोटेस्ट हो रहा था, उसका क्या रिजल्ट निकल के आया है, आयशा ने हमें जीत दिलाने की पूरा कोशिश कर दिया और हम जीतेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, उसका भी प्रूफ दिखाता हूं। ये देख लीजिए, अवेयर रहिएगा, यहाँ पे लिखा है विक्ट्री फॉर स्टूडेंट एंड प्रोटेस्टर्स, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल। मेरे प्यारे दोस्तों अभी तक ये नहीं हुआ है, ठीक है ना, आप लोग इस चीज को मत देखना, बी अवेयर, ये फेक अकाउंट से आया है, अभी तक सुनने में आया है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों बढ़ते अच्छी खबर की तरफ, आप लोग जो पूछ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि आखिर प्रोटेस्ट का क्या हुआ भैया, क्या हम लोग जीते, मेरे प्यारे दोस्तों ये तो ट्रेंड कर रहा है, 2.3 मिलियन ट्वीट्स हुए हैं, रिट्वीट्स हुए हैं, साथ साथ ये बात का रिजल्ट हमारे पास बहुत जल्द आने वाला है। और यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों लाखों बच्चे थे, नीट के बच्चे थे, साथ साथ कंपार्टमेंट स्टूडेंट के बच्चे थे। अब आप लोग बता सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि और क्या आप लोगों को चाहिए। कल तक तो हम लोग आप लोगों के लिए आवाज उठाते थे कि बच्चों का एग्जाम को कैंसिल किया जाए, साथ साथ पोस्टपोन किया जाए, तब कुछ बच्चे जो थे नेगेटिव कहते थे कि नहीं भैया आपसे कुछ नहीं होगा, साथ साथ किसी से भी कुछ नहीं होगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ने नहीं जाता हूं, कसम से बता रहा हूं, सिस्टम मेरे हाथ में नहीं है, मैं आप लोगों को खबर देता हूं, मैं आप लोगों का बात पहुंचाता हूं उन लोगों तक जो लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ने जाते हैं, और उनका बात पहुंचाता हूं आप लोगों तक। और एक चीज, शक्ति सर और शिवम भाई आप लोगों का जो भी कोर्ट में होता है आप तक पहुंचाते हैं। शक्ति सर लड़ने जाते हैं कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स के लिए, आलोक सर जाते हैं नेट के लिए, साथ साथ सभी सब्जेक्ट सभी एग्जाम के लिए पर्टिकुलर एक एडवोकेट हायर हुए हैं। साथ साथ हमारी रिपोर्ट करती हैं निधि मैम, मेरे प्यारे दोस्तों रिपोर्टर हैं इंडिया टीवी के, और अनुभा मैम, सारे लोग बताते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे जरूरी, फेक न्यूज से बचा करिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों से गलती हुई है, पहले तो ये भी देख लीजिए, अदनान स्वामी जी इनको तो आप लोग जानते हैं कितने अच्छे बड़े सिंगर हैं, ये भी कह रहे हैं आप लोगों के लिए भर भर के गुड न्यूज दे रहा हूं, साथ साथ गलती हुआ मेरे प्यारे दोस्तों, देख लीजिए मैं बता दे रहा हूं, कुछ छुपाता नहीं हूं मैं आप लोगों से, ठीक है ना।
ये देख लीजिए, सुब्रमण्यम जी लेटर लिखे थे तुरंत, पता नहीं एचआरडी मिनिस्टर का प्रॉब्लम क्या है, क्या प्रॉब्लम है जो तुरंत खारिज करके कहा उन्होंने कि एग्जाम होगा। अब देखिए यहाँ पे सुब्रमण्यम जी ने क्या कहा, ये गुड न्यूज है मेरे पास दोस्तों, कुछ बुरा नहीं हुआ है, गुड न्यूज दिखा रहा हूं। उन्होंने कहा है कि बहुत लोग हैं, हम लोग होप कर रहे हैं कि जस्टिस मिलेगी, लेकिन बहुत लोग हैं जो पैसे के बारे में सोच रहे हैं, अगर एग्जाम को पोस्टपोन किया जाएगा तो कुछ पैसे वालों का जो है लॉस हो जाएगा, पैसा लॉस होगा। तो इन्होंने हमारी गलतियों को भी कहा कि आप लोगों ने लेट, मुझे लेट करके ये चीज बताया, तो इनको इतना दिन से ये पता नहीं था। और इनके बारे में एक बात बता दूं, ये जब भी जो चीज बोल देते हैं उसको करके ही रहते हैं। अब ये चीज इनके ऊपर है, ये लगे हुए हैं। अब देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि कुछ तो होगा, मैं आप लोग तक चाहे अच्छी खबर हो चाहे बुरी खबर हो आप तक पहुंचा दूंगा। साथ साथ मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग रिलैक्स हो जाओ, पढ़ाई तो बिल्कुल मत छोड़ना, मैं हाथ जोड़ता हूं, पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आपको पढ़ाई करते रहना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, सुबह के वीडियो में 9 से 10 के बीच आप तक अच्छी खबरें लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, इंतजार करना मेरे प्यारे।